असी तो असी कड़े खंड की डलिया में खुर जाएंगे। देश के लोगों ने मुछ लाई है तो देश के लोग मुछ मुन्न भी जानते हैं। दिल्ली च बीती रात मौसम खराब होया ते अज सवेरे धुंद भी पई ते कड़ाके दी ठंड भी पई, लेकिन इसके बावजूद भी किसानों का हौसला बिल्कुल बरकरार है। साढ़े नाल सुरमुख जी ने इत्थे लंबे समय तो डटे हुए ने मोर्चे ते, मौसम दी मार पै रही है लेकिन फिर भी जी हौसला बुलंद है। हौसले बुलंद रहेंगे ते इस तरह भी असी मौसम की तो अनेक झाल झलिया है। असी जट होंने जिमीदार होंने खेतों पानी लाने जो पोह माघ का महीना इसकी ठंड सानू कोई नहीं लगती हैगी। बारिश है, बारिश दिन सिर्फ तरपाला पाइया वही उपर थोड़ा यह है भी समान भिजन का खतरा रहा, बाकी सानू मीह का कोई वो नहीं, ठंड ठुंड कोई नहीं लगती हैगी। असी तकरीबन साढ़े क तीन चार बजे के करीब स्वास्थ्य उठ कढ़ते हैं ते उस तों बाद इशनान करन ते बाद अपना नाम जपन ते बाद असी सारा काम स्टार्ट कर दिंदे हां लंगर पानी दा ते उस तों बाद स्टेज ते चले जाईदा। हां जी बाबा जी, जदों कल बारिश हल्की रात नूं शुरू हुई ते उदों पहला ख्याल की आया दिमाग च? कोई ख्याल नहीं आएगा, असी तो असी कड़े खंड की डलिया में खुर जाएंगे। हाँ ये गल ही नहीं हैगी, बारिश तो असं अनेक झलते हाँ बाहर खेतों से रही दा। इन्हों दिनों में असं ठंड के दिनों के सू तो ठंड लगती है, सानू ठंड का कोई वो नहीं है, कोई टेंशन नहीं है बिल्कुल ही नहीं। बब कपड़िया का हाल जरूर हो जाता भी भिज के चलो दुए पा लो बस और क्या, जो बारिश ना कपड़े भिज जाने दुए गिले खोल देने सुके पा लेने बस इन ही, होर कोई फर्क नहीं। 4 तारीख नूं हुण एक बार फिर तो जथेबंदियां किसान जथेबंदियां ते किसान सरकार दे विच मीटिंग है, इस मीटिंग नूं किदां देखदे हो हुण तुसीं? मीटिंग होगी देखो असीं देखदे हां रिस्पोंस की दिंदी है सरकार, सेंटर सरकार जिहड़ा उहनां दा रिस्पोंस आऊगा उहदे हिसाब दे नाल साडीआं जथेबंदियां मुखी है जिहड़े उह जिहड़ा भी प्रोग्राम लिखणगे असीं उहदे उत्ते फुल चढ़ावांगे। बाकी इह जिउं दिन ज़्यादा गुजरते जा रहे हैं त्यों त्यों जथेबंदियां नूं भी मजबूरी होंगी जा रही है। जो मेरे देखने आया पिछे जो यूथ है उस बहुत गर्म है, यूथ को संभालना बड़ा औखा है। असी इस चीज़ के ऋणी हाँ, मतलब जथेबंदियां जिहड़ा इन्ना संभाल के रख्या वा, पर 4 तारीक तक देखते हैं क्या रिस्पोंस आता, उस बाद जो जथेबंदियां प्रोग्राम लिखणगियां उस हिसाब नाल अगला स्टैंड लिया जाऊगा, देखते हैं क्या बनता, पर जित के जावांगे यह श्योर है, यह पक्का यकीन है। भावें यह 26 जनवरी भी लंघ जाए पर मैनू लगता 26 जनवरी तक तो घसाई कर देंगे असं होर नहीं, जे 26 जनवरी लंघ तो भी कोई गल नहीं, साडा सारा काम पिछे चलता है। हुण कणकां पानी की कोई लोड़ नहीं, 4-5 तारीक नूं वर्षा होर दसी भी है, वढ़ाइयां दे टाइम तक साडी कणक तैयार हो जाणी है। देखदे हां जे मार्च अप्रैल तक अगे होला महला भी आउंदा खबर है, होला महला भी इत्थे मनाउणा पवे, सब कुछ कर देंगे, ठीक होके जाऊगा, जित के जावांगे हर हालत विच। तुहाडी इक बहुत वधिया आदत है, तुसीं पूरी अखबार पढ़दे हो, अज दी अखबार की कहिंदी है पंजाब दी? अज दी अखबार इक पंजीत गरेवाला पंजाब दा अन्न पाणी खा के ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪੇਟ ਲੱਗਿਆ, ਕੀੜੇ ਜੰਤੂ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹਰ ਦੇ ਪੇਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਵੀ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਮੀਦਾਰ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹ ਘਸਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਇਹ ਮਾਯੂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜੇ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆ, ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲੂ ਆ। ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਟਸ ਤੇ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅੰਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹੈ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਤਾਂ, ਪਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਛ ਉਹਦੀ ਜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁੱਛ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਈ ਆ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਆਈਆਂ,
जे देश के लोगों ने मुछ लाई है तो देश के लोग मुछ मुन्न भी जानते हैं उन्होंने चाहिए जो मुछ उदे लाती लोगों ने तो मुछ का वो तो रखे अपना ख्याल तो रखे लोगों वधिया वर्ताव रखे किसी की भी समस्या हल करना प्रधानमंत्री का काम है। पिछली जी मीटिंग हुई 30 तरीक नस्वीर भी आई कि जोड़े केंद्रीय मंत्री ने वो किसानों के नाल हूँ लंगर छक रहे थे इनू कि देखते हैं वो तो किसानों के नाल जो लंगर छकन की समस्या है वो इस तरह जो केंद्रीय मंत्री देखा भी टस्त मस नहीं हो रही जथेबंदियों मुखी हैं जिन्होंने असं गलबात करते हैं वो चाहते असं इन्हों के ढिड च बढ़ जाइए ताकि असी सानू लोगों को भी लगे होर असी बाहरले देशों भी दिखा सकीए भी असी तो पूरी कोशिश करते हैं इन्हों के नाल मिलवर्तन करन दी पर अंदरों मन विच जो कालसा वो नहीं मिटी हैगी लंगर सांझा तो उन्होंने एक इस तरह की मेरा ख्याल है करिया भी साढ़े नाल थोड़ा सहचार नेड़े रखन जथेबंदियों पता ही है सारा कुछ सियाने साढ़े नाल वध सियाने बहुत बहुत धन्यवाद साढ़े नाल गलबात करन लई तुहाडे नाल एक दिन पूरा टाइम कढ़ के इस पूरे मसले ते तुहाडे नाल पूरा वधिया गल होएगी बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद गलबात करन लई। सो थोड़ा मौसम खराब होया सीगा दिल्ली दे विच ते बारिश भी हुई सीगी लेकिन फिर भी किसानां दा हौसला किसानी मोर्चे ते बरकरार है ते कह रहे ने कि सरकार तो एक कानून वापस करा के ही वापस मुड़ांगे। तुसी मीडियम दे नाल जुड़े रहो किसानी मोर्चे की अलग अलग तस्वीरां तुहाडे तक लैके आउंदे रहांगे अपने सहयोगी हरपिंदर दे नाल रत्नाकर दा मीडियम दिल्ली। साडे नाल जुड़े रहने लई साडे यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब करो अते फेसबुक पेज नूं फॉलो।